सर पेपर बढ़िया रहा। कितना किया आपने? मतलब मैक्सिमम कर ही लिए, काउंट तो नहीं किए पर अच्छा ही गया मेरा। अच्छा गया। हाँ। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है क्वेश्चंस का? मतलब नहीं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, मीडियम है। अच्छा है। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए ये बताइए। एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी। फिजिक्स वगैरह भी था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल नॉलेज भी था। कितने कितने क्वेश्चन थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से? फिजिक्स 50 थे, केमिस्ट्री भी 50, बायो भी 50 और जो जनरल नॉलेज था वो 10 था। क्वेश्चन वाज इजी? हाँ, ज़्यादा इजी नहीं, मतलब सही था। एनसीईआरटी जो पढ़ लेगा वो कर लेगा। ओके, आई होप फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। हाउ इज योर पेपर? नाइस। क्या आपने? मैंने तो 65 अटेम्प्ट किया। हाँ। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का? मतलब सही था, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन था। okay. और फिर 0.33 मार्क्स निगेटिव मार्किंग। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से कैसे हैं? एनसीईआरटी बेस्ड है फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बेस्ड ही थे सारे, फिजिक्स मतलब बायोलॉजी के तो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, और जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं अच्छे से उसका भी आराम से चला जाता, मतलब सारा पोर्शन 12th पे ही है। हाँ। 11th के पोर्शन से कुछ है कि नहीं? जी के क्वेश्चन भी मतलब ईजी था, 11th भी अच्छा, मतलब 11th का तो ऐसा कुछ था नहीं, बट 12th से मेनली था। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था आपने? हाँ देखा तो था, बट उससे तो ऐसा कोई आया नहीं, मतलब उससे कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, मैंने जितना देखा था उसमें से कुछ नहीं आया था। ओके। अच्छा, जितना होप कर रहे थे उतना बना पाए आप? हाँ हाँ हाँ। आई होप फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। हेलो, हाउ इज योर पेपर? गुड। कितना किया आपने? 50 किया। 50? यानी टफ है क्वेश्चन? फिजिक्स तो न्यूमेरिकल था, हमेशा थ्योरी आता था, इस बार न्यूमेरिकल आया। अच्छा, कितने न्यूमेरिकल्स आए? लगभग मतलब 30 क्वेश्चन में से 28-29 न्यूमेरिकल ही रहे हैं। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज गुड। गुड। सेटिस्फाइड हो गया नहीं आप? मीडियम। ओके, गुड लक। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा पेपर। कितना किया आपने? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब 80 प्लस? हाँ। हाउजर पेपर? अच्छा। ये बैंड किस चीज़ का है? ये पता नहीं, वहाँ पे दिया गया था ये। अच्छा, ओके ओके। कितने क्वेश्चंस कर पाए आप? 86 क्वेश्चंस। 86, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मॉडरेट था, इजी था, अच्छा था। बायोलॉजी? बायोलॉजी इजी था। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी। सेटिस्फाइड हो आप? हाँ। ओके, गुड लक। हेलो, हाउजर पेपर? वाज गुड। कितना किया आपने? 98। बहुत अच्छा करा। दो क्वेश्चन कहाँ से छूट गए? फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है ना? हाँ, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही था। पिछले ईयर ऐसा नहीं था? मैंने नहीं दिया था। अच्छा, मैं प्रीवियस क्वेश्चन तो देखा होगा ना आपने? नहीं, पेपर तो आता नहीं है ना वैसे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मॉक वगैरह क्वेश्चन तो देखा होगा? हाँ, उसमें थे कुछ थ्योरी वाले, बट यहाँ आए नहीं। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लाइक 30 बायो, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स एंड 10 जीके बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से या आउट ऑफ एनसीईआरटी? कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। आपने नीट पेपर भी दिया था? हाँ। ओके, तो आपके लिए तो काफ़ी आसान पेपर ये लगा होगा? हाँ, इजी टू मॉडरेट में था बस। ओके, मैं नीट कंपेरेटिवली तो काफ़ी ईजी होगा पेपर ये। ओके, सेटिस्फाइड हो? थैंक यू, गुड लक। आपका अच्छा गया पेपर। कितना किया आपने? सब बनाया। 100? ओके, कैसा रहा पेपर? हेलो, हाउ इज योर पेपर? वेरी नाइस। कितना किया आपने? 67 तक। 67। कैसा क्वेश्चंस आया है? मॉडरेट ही थे। मॉडरेट है। हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा था? हाँ देखा था, उससे ही रिलेटेड। उससे इजी है? नहीं, उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड है। ओके, एंड कैसा है ड्यूरेबिलिटी, बनाने योग्य था या फिर डिफिकल्ट था? ओके था। ओके। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले या फिर थ्योरी बेस्ड? न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल ज्यादा मिला। ओके, एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? वो थ्योरी बेस्ड थे। सारा एनसीईआरटी बेस्ड या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बेस्ड। सारा एनसीईआरटी। सेटिस्फाइड हो? हाँ। ओके, आई होप फॉर अ बेस्ट, गुड लक। थैंक यू।